नमस्कार प्रणाम, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे और हमारा भी चकाचक है कपड़े के साथ। ये गाड़ी हमारे पास है वैगनार, और इसमें जो परेशानी थी मिसिंग की, और वैगनार के साथ ये है कंपनी फिटेड। तो इसमें जो परेशानी थी मिसिंग वाली, वो अक्सर जो है क्या चीज़ मिलता है आपको दिखा दें, ये इंजेक्टर, एक ये ख़राब था और एक ये ख़राब था। इसका शक्ल सूरत आप तो देख लेंगे, अगर तो सही से पहचान लेंगे काम आएगा। अभी चेक कैसे करते हैं ये समझिए, ये दो तरीके से ख़राब होता है। पहले तरीका तो ये ख़राब होता है कि इसमें गैस ही नहीं देगा, पहला तरीका। और दूसरा तरीका होता है कि गैस अधिक देगा, और तीसरा तरीके में तो खैर सही रहेगा, क्योंकि जब कंटिन्यू गैस रहेगा बराबर तो सही है। अब जब ये ख़राब हो जाता है तो मिसिंग भी बड़ा अजीब करता है। मान के चलते हैं कि मिसिंग अगर आपका एकदम एक सिलेंडर काम ना करे, तब तो आसानी से ढूंढ लेगा कोई भी। कहने का मतलब हमारा ये है कि जैसे हमारे एक भतीजे को ब्लड कैंसर हुआ था, खैर बहुत दुख हुआ, बेचारा नहीं है, खैर जो भी है, तो उसको क्या हुआ ना कि हल्का ही बुखार रहता था उसका, बुखार उसका अधिक होता ही नहीं था। सेम वही कंडीशन इसमें भी है, अगर हल्का मिसिंग है भाई साहब तो जल्दी नहीं मिलेगा, अब पूरा एक सिलेंडर काम ना करे तो आसानी से मिल जाएगा। भाई आप होल्डर निकाल लोगे, प्लग लीड निकाल लोगे, कुछ भी निकाल लोगे तो आप देख लोगे कि भाई एक सिलेंडर ये वाला नहीं काम कर रहा, तो हम क्या करेंगे उसको भाई प्रक्रिया से चेक करके जो भी होगा सही कर देंगे। लेकिन वहीं पर अगर हल्का काम ना करे, तो हल्का काम ना करने के ही स्थिति में मिसिंग जल्दी दूर नहीं होता है। जैसे कि आपको बता दें कि चैम्पियन वाला प्लग की जब बारी आती है तो यही कारण है कि वो हल्का ही बॉडी में करंट उतारता है और हल्का ही मिसिंग रहता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी झटका लेती है और वो मज़ा नहीं आता गाड़ी चलने में। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये हल्का सा जो झटका होता है ना, बड़ा ख़तरनाक होता है। पूरा झटका ले और पूरा कस के ले, पूरा एक सिलेंडर ना काम करे भाई साहब, तो बहुत आसान रहता है, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन हल्का हो तो भाई मज़ा नहीं आता है, जल्दी नहीं मिलता है। तो आपको चेक करने के लिए भाई, पहला तरीका होल्डर निकाल के आप चेक कर सकते हो, लेकिन होल्डर निकालने में खतरा ये है कि आपके ईसीयू में जो है एरर आ जाएगा, तो आपको डिलीट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है पाइप निकाल के चेक करने का, इसमें भी खतरा है। खतरा क्या है कि आपको अगर कहीं करंट स्पार्किंग कर रहा है तो फूक से आग लग जाएगा। तो ये दोनों बातें हैं, मतलब अच्छाई के साथ साथ बुराई भी बताना ज़रूरी है। भाई आप अगर घर में चेक कर रहे हो, अपने से चेक कर रहे हो, तो ये दो सावधानी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और करंट इसके स्पार्किंग पहले चेक करने के बाद ही पाइप निकाल के चेक करें, अन्यथा ना चेक करें। हो सके तो किसी मिस्त्री को दिखाएं जो एक्सपर्ट हो, जो जानकारी हो, और हो क्या सके बल्कि प्रयास यही करिए। आप अपने से करेंगे तो आप सतर्क रहिए, व्यवस्थाएँ उतना कर लीजिए, तब आप अपने से करिए, कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इतना काफ़ी है किसी के साथ। एक मिनट यार, एक चीज़ तो भुला गए, ये गाड़ी किसकी है ये भुला गए, और ये आए कहाँ से है ये भुला गए। एक मिनट का और समय लेंगे। ये गाड़ी मोहित जी ने भेजा है, ठीक है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, क्योंकि लखनऊ में जो है बहुत से कम लोग हमको, मतलब जमानी में तो लोग जानते थे, 2001-2 की अगर हम बात कर रहे हैं, 98-99 की बात करें, तो बहुत से जो इस समय बहुत लोग नहीं भी हैं, धरती से चले गए हैं, और बहुत से लोग आज भी जो एजेड में हैं, कई लोग हैं जो हमको जानते हैं। लेकिन अब इस भाई नए तौर तरीके से जो है हमको लोग जानेंगे, अच्छी बात है। तो हमारे साथ कृष्णा जी हैं और मोहित जी ने इनको भेजा है हमारे साथ समझा करके। आइए कृष्णा भाई, एक मिनट। हेलो एवरीवन, मोहित जी ने हमको बताया कि चाचा के पास जाइए, और चाचा के पास आए तो बताया कि क्या बोलते हैं, वीडियो देख के चाचा के पास भेज रहे हैं। तो अभी कितने दिन से परेशान थे? अभी हम इसको लेके 3 दिन से परेशान थे। एवरेज वगैरह चलने में? एवरेज भी कम कर दी थी गाड़ी, और चलने में झटके ले रही थी। ये झटके की समस्या जो है इससे अक्सर रहती है, और हल्का झटका था। हल्का झटका था, अगर ज़्यादा झटका रहता तो आसानी से मिल जाता। हाँ, लेकिन हल्का झटका था तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। एक दो मिस्त्री को और दिखाए तो बताए कि आपके कहीं और से प्रॉब्लम आ रही है। अब कहीं और से प्रॉब्लम ढूंढे ढूंढे तो दिमाग का दही हो जाएगा ना। मिस्त्री कहेगा सीएनजी वाले के पास जाओ, सीएनजी वाला कहेगा मिस्त्री के पास जाओ, भटक भटक के दोनों में चक्कर खाते रहो, थाली के बैंगन बन जाओ, यहाँ के ढंका वहाँ चले जाओ, और वहाँ से ढंका यहाँ चले जाओ, यही होता है सीएनजी में। चलिए ठीक है कृष्णा भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा आप मेरे पास आया। चाचा का सर ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है भाई साहब, हाँ हो सके तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, बाकी जो है शेयर करते रहिएगा, प्रेम हमेशा जिंदा रखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।